तीन देशों की यात्रा से लौटने पर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के पीएम का आना हम सभी के लिए गौरव की बात तो है ही, इतना ही नहीं, इस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, विपक्ष के सांसद भी थे, सत्ता पक्ष के सांसद भी थे, ये सब मिलजुल कर भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ये यश मोदी का नहीं, हिंदुस्तान के पुरुषार्थ का है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे का है। केरल के तिरुवनंतपुरम की अखिला बीएस के जज्बे को सलाम। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 की फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। अखिला न सिर्फ तिरुवनंतपुरम बल्कि केरल और पूरे देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। दरअसल 5 साल की उम्र में एक बस दुर्घटना में उन्होंने अपना दाहिना हाथ गंवा दिया था। इसके बाद बाएं हाथों से लिखने की शुरुआत हुई। धीरे धीरे वो आगे बढ़ी और आसपास के लोगों के लिए कुछ करने की ठानी। जाहिर है उन्होंने सिविल सर्विसेज का रास्ता अपनाया। उनका कहना है कि 2020 में उन्होंने पहली बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी थी लेकिन असफल रहीं। इसके बाद तैयारी की और 2023 के फाइनल लिस्ट में उनका नाम आया। हालांकि वो अपनी रैंक से खुश नहीं हैं। अखिला का कहना है कि वो एक आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं, इसलिए वो आगामी परीक्षा की तैयारी करेंगी। स्टार कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी जापान में छुट्टियां मनाकर मंगलवार को मुंबई लौट आए। अपने जापान ट्रिप को मिस करते हुए एक दिन बाद कियारा ने इंस्टाग्राम पर वेकेशन से जुड़ी सिद्धार्थ के साथ एक तस्वीर शेयर की है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, टेक मी बैक ऑलरेडी। कियारा के पति सिद्धार्थ ने भी एक्ट्रेस के इस पोस्ट को शेयर किया और बड़े ही प्यार से लिखा, बैक टू द फ्यूचर। दोनों के इस प्यार को देख कर फैंस अपने स्टार कपल के लिए काफी खुश नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में 2 दिनों के बाद कच्चे तेल के दाम में गिरावट देखी जा रही है। इस बीच देश के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ है। दिल्ली से सटे नोएडा में गुरुवार को पेट्रोल 1 पैसा सस्ता हुआ है। इसके अलावा जयपुर में पेट्रोल 5 पैसे महंगा और डीजल 4 पैसे सस्ता हुआ है। हालांकि देश के 4 महानगरों में लंबे समय से पेट्रोल डीजल का दाम स्थिर बना हुआ है।